शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से श्रद्धा नीचे से सबको बुला लिया है। जी बुआ जी, कीर्ति को फोन कर दिया है, सब आ ही रहे होंगे। और हाँ, नैना भाभी जब ऊपर आए तो उनसे नीचे की तिजोरी की चाबी भी मांगे। आप लोग हमें ऐसे भाई देख रहे हैं? भाई साहब ने तुम दोनों को पूरे घर की जिम्मेदारी दी है और इसकी शुरुआत तिजोरी की चाबी से होनी चाहिए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों घरों की जिम्मेदारी को उठाने का है। भाई साहब ने जो कहा सो कहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम नैना भाभी का हक छीने या नैना भाभी और वरुण का दिल दुखाएं। अरे कोई किसी का दिल नहीं दुखा रहा है। अरे हम तो बस तिजोरी की चाबी की बात कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। वैसे भी हम भाई साहब की आखिरी इच्छा पूरी करने की बात कर रहे हैं। वाह, आज एक वसीहत रिश्तों से ऊपर आ गई चाची जी। नहीं कीर्ति, तू गलत सोच रही है। दीदू हमने सब कुछ सुन लिया तो हमें बेवकूफ मत बनाइए। पापा जी चले गए सब कुछ छोड़कर, पर उनका बेटा, उनकी बहू और उनकी बीवी अभी जिंदा है, तो जायदाद का सबसे ज्यादा हिस्सा आप दोनों को क्यों मिले? तू सही कह रही है कीर्ति, ऐसा कुछ नहीं होगा और उस पर तुम लोगों का ही हक है। मैं वकील से बात कर लेता हूँ वसीयत को लेकर, हमें कुछ नहीं चाहिए। तू फिक्र मत कर कीर्ति, हम सब संभाल लेंगे। क्या मिला आपको उसे दुखी करके? चली गई ना भाई साहब के जाने के बाद, आपको पता है ना घर का माहौल कितना दुखी चल रहा है। पहले समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब के दिमाग में क्या चल रहा था कि ऐसी वसीयत बना दी। लेकिन हमें तो समझना पड़ेगा ना कि क्या सोच के उन्होंने वसीयत बनाई। फैसला चाहे जो भी लिया हो पापा जी ने, हम अपना हक अभय और दीदी को नहीं दे सकते, चाहे दीदू कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर ले। बचपन से ना वो यही करती आई और सब कुछ अपने नाम करवा लेती। क्या हुआ कीर्ति, क्या हो गया? आप ही बताइए, सही किया है पापा जी ने हमारे साथ? भेदभाव नहीं हुआ है, अरे प्यार तक बांट दिया पापा जी ने। वरुण जी, आप इस घर के से बड़े बेटे नहीं, उनके सगे बेटे भी हैं, फिर भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी दीदू और अभय को दे दी, 60% का हिस्सा दे दिया उन्हें। क्या कमी रह गई थी आपकी जिम्मेदारी में वरुण जी पापा जी की तरफ, कि आपको इस लायक भी नहीं समझा? मुझे समझ नहीं आ रहा कीर्ति, तुम्हारे सवाल का मैं क्या जवाब, पता नहीं उस वक्त पापा क्या सोच रहे थे। अभय और दीदू चाहे कुछ भी बोल, पर हमें पता है उन्होंने ना पापा जी को बहलाया फुसलाया ताकि सब कुछ उनके नाम हो जाए और जब पापा जी चले जाए तो इस घर पे ना वो लोग राज करें। ऐसे तो बड़ा कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर तिजोरी की चाबी पूछने के लिए ना ऐसे बैठे हुए। वरुण जी हम आपको बता रहे कीर्ति, श्रद्धा, अबे ताई जी,
नाश्ता तैयार है, हम सब आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटा, मन नहीं है। ताई जी, ताऊ जी की आखिरी इच्छा थी कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। कीर्ति, इसमें तुझे भी हमारा साथ देना चाहिए। दिख रहा है कि आप लोग कैसे लगे हुए पापा जी की आखिरी इच्छा पूरी करने में। अरे सर, आप यहाँ आइए ना, आइए। तुम्हें अब ये मेरे बॉस। नमस्ते। वरुण के पिताजी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। माफ कीजिएगा सर, अभी मैं छुट्टी पे हूँ, 13वीं के बाद ही आ पाऊंगा। मैं समझता हूँ, कुछ दिन परिवार के साथ रहो, बाद में आऊ, पर आज मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और है। क्यों सर, क्या हो गया? अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत पसंद आई और हमारी डील भी पक्की हो गई उसके साथ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आइए प्लीज बैठिए ना। नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा नमस्ते। हाय, मुझे पूरा यकीन था तू जिस भी कंपनी में काम करेगा उसकी किस्मत बदल देगा। हाँ वरुण जी, ताऊ जी को भी आपके हुनर पर हमेशा ही गर्व रहा है। काश आपकी ये बात हम मान सकते दीदी कि पापा जी को वरुण जी पे गर्व था। अगर इतना ही गर्व होता ना तो उन्हें वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं समझते कि अभय के हिस्से में लिख देते उनकी सारी जायदाद। वसीयत वाली बात से आप अंदाजा लगा ही सकती है कि कीर्ति के दिमाग में अभी क्या भूचाल चल रहा है, और ऊपर से आपने अपना अलग से तेज दिमाग चलाया। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? हम तो सिर्फ भाई साहब की इच्छा के बारे में बात कर रहे थे, और वैसे भी उन्होंने भी मान ही लिया था कि इस घर का असली खरा सोना बेटा कौन, तो आप हमें काहे बोल रही है? कीर्ति बस उसे यही कहना चाह रही थी, ताऊ जी बहुत मन से चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी पूरा परिवार एक साथ रहे, एक साथ खाना खाए, दुख में सुख में एक दूसरे का साथ दे, और ऐसे में ये कड़वाहट बीच में मत ला। चल नाश्ता करते हैं। हमें नहीं खाना। देख कीर्ति, अगर तू नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तुझे अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए चलना होगा। दीदू छोड़िए हमें। बैठ बैठ। आप लोग भी आ जाइए ना। कीर्ति अब ये गुस्सा भूल जा और ले खाना। क्यों खाए हो? आप जो बोलेंगी वही होगा, यही जताना चाहती है। कीर्ति मैं तो बस तुझे प्यार से खाना खाने के लिए कह रही हूँ। अच्छा हाँ, अब तो आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। ठीक है ये लीजिए। फिर चाहती है ना? कीर्ति ये क्या पागलपन है तेरा, क्या कर रही है तू? कीर्ति ये चाहती है ना कि आप जो बोले हम वही करें, या आपकी हर बात मानी जाए, आपकी बात ना हमारे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, तो ये लीजिए। कीर्ति ये क्या तू कीर्ति चले पानी पी। बस कीर्ति बस भी करो, उतना ये तमाशा ना खत्म करो। नहीं पीना मैं पानी।
कीर्ति, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, अब भाई सब ठीक है। अरे कब तक तुम अपने बहन के तमाशों को छुपाती रहोगी? आज तक तुमने कुछ सीखा नहीं है श्रद्धा? तनुजा जी, बात का पतंगड़ मत बनाइए। अरे आप हम पे काहे भड़क रहे हैं? हम तो बस आंटी जी, आप शांत हो जाइए ना, वरना आपके हाथ का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे हमें बोलने से अच्छा होगा कि तुम इस कीर्ति को समझाओ, जो जायदाद और जिम्मेदारी के नाम पे हमारे बेटे बहू से चिड़ी बैठी रहती है। अरे भाई साहब तो समझदार थे, अरे वो जानते थे कि जब वरुण और कीर्ति के हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं तो फिर जिम्मेदारी कैसे टिकेगी? अरे नौकरी मिली नहीं कि बस बेहिसाब खर्चा शुरू। अरे महंगी कार, महंगे तोहफे, महंगी टीवी। अरे तुम लोगों को पता भी है कि भाई साहब को इस सब से कितनी परेशानी होती थी। तनुजा, आप ऐसा कह भी कैसे सकती? वरुण ने जो भी खर्चे किए ना, सोच समझ कर किए, और आप तो ऐसे कह रही है जैसे हमने कभी अभय को अंधाधुंध खर्चा करते हुए देखा ही नहीं। भाभी, अगर अभय खर्च करता है ना तो श्रद्धा उसका हाथ रोकती है, ऐसी घर संभलता है भाभी। लेकिन यहाँ वरुण तो खर्च करता ही, लेकिन कीर्ति उससे 10 कदम आगे है। अगर इनके हाथों में जिम्मेदारी दी जाती ना भाभी, तो आप ना सड़कों में भीख मांगती फिरती। हाँ बस करिए, बस कीजिए भाभी, ये कोई वक्त है इस तरह की बहस करने का? नहीं नहीं, बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आज मन की सारी कड़वाहट निकाल दे। हमारे खर्चे तो आपको दिख रहे चाची, आरती के खर्चे नहीं दिखते आपको? दिन भर बाहर घूमती रहती है, बाहर का खाती है, बाहर का पीती है, पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। कीर्ति, ऐसे किसी पे उंगली मत उठा कीर्ति, और अपनी इस बात को यही खत्म कर। मत कहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं। कीर्ति, शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा है इस घर में? ताऊ जी ऐसा बंटवारा कभी नहीं चाहते थे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इस लड़ाई को खत्म करना ही होगा मुझे। कीर्ति ये क्या तरीका है? श्रद्धा तुमसे प्यार से बात कर रही है, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हो, तुम क्या? हम हाँ? क्या हम दीदू प्यार दिखा दिखा के जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहती? अरे हमने बोला हमें नहीं खाना खाना, तो हमें जबरदस्ती खाना खिला रही। ये हमेशा ना यही करती, हम पे अपना हक जताती। बंद करो तुम ये अपना तमाशा। अरे हम कब से तुमको अमित, अचानक से झटका लग गया, बहुत दर्द हो गया, दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा। श्रद्धा मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम मम्मी को लेकर नीचे पहुंचो जल्दी से। मम्मी जी आप संभल के उठिए। नहीं 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 नहीं, हमने नहीं उठा जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी आप एक कोशिश कीजिए, हम हैं यहाँ पे। अभी कोशिश करिए उठने की, हमने और श्रद्धा ने आपको कस के पकड़ा। उठिए, कोशिश कोशिश कीजिए, आराम से अभय तो गाड़ी निकालने गया था, पता नहीं कहाँ चला गया।
वरुण, सोचने का वक्त नहीं है, अब अपनी गाड़ी निकालिए, चलिए जल्दी करिए। हाँ बेटा जल्दी कर, इनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, दर्द बहुत बढ़ गया। जी चाचू, ठीक ठीक हो जाएगा सब कुछ। हे भगवान, इसका तो टायर पंचर, चाची जी को कैसे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर डालमिया को यहीं ले आया। पेशेंट को तुरंत अंदर लेकर के चलिए। मम्मी जी, ऊपर ही ले चलते हैं, मम्मी को आगे हाथ में बहुत तकलीफ है तो। अरे ऊपर क्यों, आपने अभी तो कहा कि उनको तकलीफ हो रही है। चलिए डॉक्टर उनको नीचे के घर में देख लेंगे। हाँ भाभी ठीक कह रही है, चलिए तनु जी से चलिए। संभाल के डॉक्टर, इन्हें पेन किलर इंजेक्शन दो तुरंत। ये डॉक्टर डालमिया है ना, वो लंदन वाले, इनकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। थैंक यू डॉक्टर आने के लिए, मम्मी के हाथ का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने इनकी सारी रिपोर्ट देखी है, डॉक्टर माथुर ने इलाज में सलाह के लिए मुझे सारी रिपोर्ट भेजी थी। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरा सेमिनार यहाँ था, मेरी टीम यहाँ चेक कर रही है, उसके हिसाब से मैं जल्दी ही इलाज शुरू करूंगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करके मम्मी जी को आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। काफी दिनों से वो बहुत तकलीफ में है, उनका दर्द अब देखा नहीं जा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मिसेज त्रिपाठी, प्लीज डोंट वरी। ऐसे में और दर्द हो रहा है, संभाल के करिए। सर हल्का सा छूते ही एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा, लगता है इंटरनल मसल टेयर है। ठीक है मैं देखता हूँ। क्या दर्द है? क्या दर्द है? नहीं होता नहीं। यहाँ पे जरा सा भी छूने में बहुत दर्द हो रहा है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये ग्रेड 3 इंटरनल मसल टियर है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर से वहां पूरी तरह से मांस फट चुका है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है। एक बार एक्सरे और एमआरआई भी करेंगे टू बी श्योर। ठीक है डॉक्टर, जैसा भी आपको ठीक लगे। इनकी हैंड इंजरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सर्जरी में काफी पैसे लगेंगे। पैसों की चिंता आप मत कीजिए डॉक्टर, पैसे मैं अरेंज कर लूंगा। आपको कैश लेना हो या चेक, बस मम्मी के इलाज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चेकबुक ले आता हूँ। डॉक्टर ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट हो सकता है? इसमें देर करना ठीक नहीं है, मैं कल ही ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, यदि आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो। नहीं डॉक्टर साहब, हमें कोई एतराज नहीं है, बस इन्हें जल्दी ठीक कर दीजिए, इनका दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब ये 5 लाख एडवांस, आप तैयारी शुरू कीजिए प्लीज। ठीक है मैं बाकी की सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ, तब तक आप दर्द के लिए दवा के साथ साथ उनके हाथ की सिकाई भी करते रहिएगा, दर्द में काफी आराम मिलेगा। ओके जी डॉक्टर, प्लीज आइए। भाभी आज के दिन ये दर्द बर्दाश्त कर लीजिए, कल से हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा दिलवा देंगे डॉक्टर, हिम्मत रखिए। हाँ हाँ, हमसे बिना पूछे आप हमारे सारे पैसे जोड़ा देंगे, मतलब इससे और महंगा डॉक्टर नहीं मिला क्या? कीर्ति, कीर्ति ये कैसी बातें कर रही है तू? दीदू ये हमारे हक के पैसे जो आप लोग ना इनके इतने महंगे इलाज में खर्च कर रही हैं।
पापा जी ने ज्यादा हिस्सा क्या दे दिया? आप लोग को दो मिनट भी नहीं लग रहे पैसे खर्च करने में। कीर्ति, हमारी बहू पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? रहने दीजिए मम्मी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो। छोड़ो, बस मेहरबानी कीजिए और हमारे परिवार पे और कोई एहसान मत कीजिए। ताई जी, हम पहले ही एक अपने को खो चुके हैं। इस परिवार को आपकी जरूरत है तो दे दीजिए हमें हमारा हक और इस बात को यही खत्म कीजिए। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।